स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर 15 एक्सरसाइज 3। नाउ अब आप लोगों को चेक करना है कि 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस। तो 5 मिनट्स का डिफरेंस होता है सभी में, 5 मिनट्स का डिफरेंस है। 1 और 2 के बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस होता है। जब मिनट हैंड है वो 1 से कंप्लीट होकर 2 पर आता है तो 5 मिनट्स कंप्लीट होती है। वैसे मिनट हैंड 2 से कंप्लीट होकर 3 पर आता है तो 5 मिनट्स कंप्लीट होती है। ना यहाँ पर क्या किया है, 5 मिनट्स का डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई 5 कर किया है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। यहाँ पर जो डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई किया बिकॉज 5 का डिफरेंस है इसलिए। ना जब वेन द मिनट हैंड इज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मीन्स यहाँ से 12 to 6 के साइड जब मिनट हैंड होता है ना तो क्या आएगा, 2 आएगा। और पास्ट का मीनिंग जब 12 to 6 के बीच में होता है तब क्या आएगा, पास्ट। जब पास्ट इट मीन्स यहाँ से 12 to 6 पर होता है तब क्या आएगा, पास्ट आएगा। राइट साइड में पास्ट आएगा और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 2 आएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द टाइम। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर अवर हैंड 8 और 9 के बीच में है और मिनट हैंड कहाँ पर है, 4 पर है। जब मिनट हैंड राइट साइड होता है तो तब क्या आएगा, पास्ट आएगा। इट मीन्स कितने बजे, 8:20, बट हम लिखेंगे कैसे, 20 मिनट पास्ट 8, क्योंकि 20 मिनट्स पास्ट 8 ऐसे लिखना है। नाउ बी है, उसमें अवर हैंड 2 पर है और मिनट हैंड 10 पर है तो कितने बजे, 2 बजने में 10 मिनट्स की देर है तो लिखना है 1:50, क्योंकि 2:50 लिखेंगे तो 3 बजने में 10 मिनट्स की देर है ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1:50। अब मिनट हैंड है वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड है तो क्या आएगा, 2, 10 मिनट्स 2, इट मीन्स 2 बजने में 10 मिनट्स की देर है। सी अवर हैंड 6 पर है और मिनट हैंड 3 पर है। नाउ मिनट हैंड जब 3 पर हो तो ऑलवेज क्या आएगा, क्वार्टर ही आएगा, बट चेक करना है अगर राइट साइड हो तो पास्ट आएगा और लेफ्ट साइड हो तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर अभी राइट साइड है तो क्या आएगा, 6:15, क्वार्टर पास्ट 6। नाउ ई, अब यहाँ पर देखो मिनट हैंड 9 लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा, 2, इट मीन्स 4 बजने में 15 मिनट्स की देर है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, 3:45, क्वार्टर टू 4। ई एंड एफ इज इन होमवर्क, क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन 2, ड्रॉ द हैंड्स टू इंडिकेट द टाइम एंड ऑल्सो राइट द टाइम इन क्लाउड्स। फर्स्ट है, यहाँ पर जो अवर हैंड है वो 9 और 10 के बीच में है और मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, 8 में है, बट मिनट हैंड लेफ्ट साइड है तो क्या आएगा, 2 आएगा, 20 मिनट्स टू 10, इट मीन्स 10 बजने में 20 मिनट्स की देर है। नाउ बी, अब यहाँ पर लिखा है क्वार्टर टू 9, इट मीन्स क्वार्टर टू 9 तो ओवर हैंड भी 9 पे आएगा और मिनट हैंड भी 9 पे है। यहाँ पर 2 लिखा है तो याद रखना है कि 2 आ हो तो वो लेफ्ट साइड में आएगा मिनट हैंड, और पास्ट में हो तो कहाँ पर आएगा, राइट साइड आएगा। नाउ सी 10 मिनट्स टू 4, जब यहाँ पर लिखा है 10 मिनट्स टू 4, इट मीन्स मीनिंग क्या हुआ कि 4 बजने में 10 मिनट्स की देर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो 4 ओवर हैंड 4 पे आएगा और मिनट हैंड कहाँ पर आएगा, 10 पे, बट लिखेंगे कैसे उसको, 3:50, 4 बजने में 10 मिनट्स की देर है। नाउ डी, 5 मिनट पास्ट 11, 5 मिनट्स पास्ट का मीनिंग क्या हुआ है कि वो राइट साइड में होगा मिनट हैंड तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 पे आएगा और 11 ओवर हैंड कहाँ पर आएगा, 11 पे, लिखेंगे कैसे, 11:05। ई एंड एफ इज इन होमवर्क। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देर आर ब्लैंक्स मिनट्स इन एन आवर, 1 आवर में कितनी मिनट्स,
वन आवर में कितने मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है, तो यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आएगा? 60 सेकेंड है. 525 कैन ऑल्सो बी रीड एस, तो उसको कैसे लिखना है? 25 मिनट्स पास्ट 5, क्योंकि 25 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा. 5 5 25, इसीलिए आया है 25 मिनट्स पास्ट 5. तो मिनट हैंड टैक्स ब्लैंक्स टू मिनट मूव फ्रॉम 3 to 5. जी यहाँ पर 3 to 5 के मूव होगी तो कितने मिनट्स लगेगी? 10 मिनट्स लगेगी. डी इज इन होमवर्क.